वर्ड और कोटेशन जिसका कोई नहीं होता है उसका जोका होता है अभी भी लोग बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका जोका होता है दिस इज राइट नाउ फिफ्टी परसेंट ट्रूथ फिफ्टी परसेंट मिथ मैं आपको बताता हूं बट जोका इज वन प्लेस अगर आपने कैट को बहुत अच्छे से फोड़ा तो जोका के कॉल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं मुझे डिस्कस करेंगे यू हैव टेकन कैट आपका आंसर की आ चुका है डिस्क्रिपेंसी में थोड़ा सा मामला अटका हुआ है तो अभी मैं बात करना चाहता हूं आई एम कोलकाता से आर यू गेटिंग कॉल और नॉट कैप सेफ हो आप बॉर्डर लाइन पे हो बट ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ दैट मींस मैं 98% टाइम इस कैलकुलेटर के थ्रू सही होगा अगर आप सही कैट स्कोर डालोगे तो यहां मैं बोलना चाहता हूं कैट कैट स्कोर स्कोर व्हाट इट्स मीन जो का आएगा बट अभी भी हम कैट स्कोर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप अपने रॉ स्कोर स्कोर के बेसिस पे कैट को कर सकते हो उस डेटा को यहां फीड करना अलॉन्ग विथ योर प्रोफाइल दिस कैलकुलेटर इज गोइंग टू शो यू आर यू ऑन द सेफ लाइन आर यू ऑन द बॉर्डर लाइन या आप कैलकेटर से कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मैं बात करता हूं

आप अपने कैचअप कर सकते हो थोड़ा तो 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 एक्स्ट्रा फाइट करके बहुत सारे लोग वेट के बाद ऑफिसियर कैलकुलेटर रिलीज हो तो है, का जाए मैं मुझे दिखने लगे नाइनटी एक्यूरेसी के साथ मैं लैंड कर रहा हूँ मेरे को कॉल आएगी या नहीं आएगी देन हम वैट पी स्टार्ट करेंगे और अगर आप जस्ट ये वेट कर रहे हो कि

तो आप जाके आराम से फाइट मार सकते हो तो ये इन्फॉर्मेशन वैट पी का है बट ये जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है आई आई एम एम के लिए कॉल्स आएंगे कन्वर्ट होंगे तो दिस वन इज स्मॉल रिजल्ट बाकी बहुत सारे को मैं अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं आप साइड पर जाओगे तो आपको दिखेगा इस ईयर के लास्ट ईयर के भी आपको रिजल्ट दिख जाएंगे दीज आर दीपल स्माइलिंग फेस जिन्होंने कैलकटा कन्वर्ट किया था अब मैं आता हूं कि आई एम कैलकटा का स्टेज क्या है स्क्रीन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो रहा है एनी anyway, वे मैं टीम को बोलूंगा इसको एडजस्ट करने के बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो चलेगा हमें देखना क्या है कि सबसे पहले यू नीड टू फिल द कैट आपने कैट भरा होगा कैट ने आई एम कैरकटा का टिक किया होगा कैट के अंदर आता है एम्स का आपने आई एम कैकटा के पीजी पी एम बी कोर्स को टिक किया होगा कैट लिखा होगा अगर आपका वी मिनिमम मेंसेंटाइल परसेंटाइल परसेंटाइल बस यही यूज होता है और कहीं परसेंटाइज नहीं होता है अगर आप ओपन कैटेगरी हो मिनिमम 80 परसेंटाइल मिनिमम 80 परसेंटाइल 75 परसेंट और 85 परसेंट एट ओवरऑल होता है तो आप स्टेज टू के लिए जाते हो सेम विद द अदर कैटेगरी आप जाते हो स्टेज टू के लिए उसका मतलब क्या है स्टेज टू का मतलब आपके फॉर्म्स को सॉर्ट डाउन किया जाता है और नेक्स्ट लेवल के लिए आपके फॉर्म्स को भेजा जाता है और बाकी फॉर्म्स को रिजेक्ट किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा लास्ट का स्टैटिस्टिक्स क्या है एज पर द आरटीआई कितने लोगों ने आईएम कलकत्ता को सिलेक्ट किया था कैट फॉर्म में कितने लोगों का स्टेज 2 क्लियर हुआ मतलब कितने लोगों ने स्टेज टू को क्लॉरिफाई किया वो डेटा में है कि किसी और Then, इसके बेसिस पे पे ये पे काम करना स्टार्ट करते हैं लोग बोलते थे बट ड्यू टू जेंडर डाइवर्सिटी अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है इवन यू कि लास्ट टू तक का 2021 तक का एक बेंचमार्क था इफ यू जनरल

जैटर ट्वेंटी मार्क्स मैं आपको दे रहा हूँ आपको कहाट मेरा अच्छा हो जाए जो कि बहुत लोगों का होता है और बहुत लोग बॉर्डर बौर, लाइन पे रहते हैं उनके लिए आई एम क्या एक गिफ्ट है कि ट्वेंटी फाइव मार्क्स तो मुझको मिल गया और ये मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ फॉर द वैट पी आई स्टेज टू राउंड के लिए उसके बाद वैट पी आई दोगे

आप प्लीज ये मत बोलना कि सर मैंने किसी और पोर्टल पे किसी और आरटीआई पे ये डेटा देखा है आपका डेटा ये है तो आपका वीडियो गलत है मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं अपनी आरटीआई के बेसिस बनाता हूं और मेरा जो आरटीआई होता है अपडेटेड होता है क्या बाकी का आरटीआई अपडेटेड नहीं है तो देखो बाकी के आरटीआई और मेरे आरटीआई डेटा में कभी कभी अगर कुछ भी डिफरेंट होता है तो उन्होंने पहले आरटीआई मंगाया होगा तो अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट होगा डेटा मंगा रहे हो और डेटा को जितनी लेट मंगाओगे ना आपका डेटा उतना ज्यादा अपडेट होता है क्योंकि तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होती है कुछ और मूवमेंट होती है उससे बहुत कुछ चेंज होता रहता है तो ये अपडेटेड आरटीआई के बेसिस पे है देखते हैं लास्ट ईयर 2.2 लाख जनता ने कैट फिल किया ओनली 1.37 मतलब ये इतनी जनता टोटल जनता थी इतनी जनता ने कैट को क्या किया आई एम कलकत्ता को सेलेक्ट किया मैं मान लेता हूं जनरल की बात करते हैं 1.37 लाख जनता ने आई एम कलकत्ता को सेलेक्ट किया स्टेज वन और एबीसीडी क्राइटेरिया कंपोजिट स्कोर के बाद ओनली 93 जनता बची और इस 93 जनता में 481 जनता को ऑफर दिया गया मतलब अगर आपके पास ऑफर आता है तो 50 परसेंट ऑफ द सिलेक्शन चांस आपके होते हैं जनरल में ये ट्रेंड है अगर आपके पास एम कैकडा से ऑफर आता है तो आप ये मान लो फिफ्टी ऑफ द चांस होते हैं तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है

अब रही बात की लास्ट ईयर का कंपोजिट स्कोर कितना था तो 51 लास्ट ईयर का था के लिए, बताओ बहुत लोगों आता है। तो यही कहीं पे फंसे हुए हैं पीडब्लू डी इज अंबर्स जो चाहते हैं लाइक पीडब्ल्यू डी में फाइव लोग चाहिए फाइव लोग अगर ओपन ईडब इनसे ही कहीं आ गए तो पीडब्ल्यू डी के लिए अलग से कट ऑफ क्रिया नहीं होता है पीडब्ल्यू तो डी इसी में कहीं पे फंसे हुए हैं। मतलब अपने में कम ही पे आप ले आते हो तो वो अलग बात है अगर आप जानना चाहो तो मुझसे पूछ लेना तो मैं एज पर दरटीआई मैंने पीडब्ल्यू डी के लिए भी डिमांड किया था उन्होंने ये डेटा भेजा है मुझे पता है कि पीडब्ल्यू डी के साथ उनका क्या चल रहा है वो यहीं पे कहीं फंसे हुए

मैं हर एक साल लेके आता हूं कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर और कॉल प्रिडिक्टर और उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चेंज कर दिया था तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों का कुछ लोगों का मैक्सिम लोग नाइनटी एट लोगों का आया था टू लोगों का अप एंड डाउन हुआ था और एक ऑल बी स्कूल के साथ बिकॉज उन्होंने अपने इंटरनल प्राइक्टेरिया को चेंज कर दिया था तो मेरे जो कॉल प्रिडिक्टर है वो 98 परसेंट सही होते हैं अनटिल अनलेस उन्होंने जो बोला उसके क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर रहे होता तो तो था इस मैं का लिंक दे रहा हूं आगे अगर कुछ अपडेट करूंगा तो उस ब्लॉग में अपडेट करता रहूंगा आप जब ब्लॉग नीचे जो जाओगे तो आपके सामने ये ब्लॉग ओपन होगा ये ब्लॉग आपके सामने ओपन होगा इसमें जो मैंने बातें बताई वो सारी बातें लिखी हुई है आप नीचे आओगे

टुडे आज बिकॉज कैट का एक्चुअल स्कोर नहीं आया है एंट्री करते हो, तो सा होगा आपका चाहिए। और हम जो ये कर रहे हैं है, आप आप अगर आपके पास रॉ स्कोर आपका पता है और या आपके पास आपका पता है, तो है अगर आपके पास आपका ऑनली रॉ स्कोर है स्केल्ड स्कोर नहीं है स्केल्ड स्कोर मिलेगा कहा दो तीन कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग अस हम परसेंट raw स्कोर को स्किल्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां क्लिक करोगे तो आपका एक डाउनलोड होगा एक्सेल आपका एक्सेल एक डाउनलोड होगा मैंने इस पे वीडियो बनाया आप इस एक्सेल पे अपना डाटा फीड कर दोगे आपका स्किल्ड स्कोर दिखना लगेगा तो आपको स्किल्ड स्कोर चाहिए आपका रॉ स्कोर नहीं जाएगी 28 आया 29 आया है देन आप नीचे आते हो देन द दे वैट पीआई का जो चलता है क्लिक हियर टू डाउनलोड द स्कोर कैलकुलेटर ये जो आपका है क्लिक हियर टू डाउनलोड द स्कोर स्कोर चाहे तो यहां यहां कहीं पे भी आप क्लिक करोगे एक न्यू एक्सेल डाउनलोड होगी मैं आपको बताता कि एक्सेल पे काम कैसे करते हैं और ये एक्सेल सीट है तो मैंने चाहा कि मैं एक्सेल सीट ही दूं स्टिल आई एम वर्किंग ऑन वेबसाइट कैलकुलेटर अगर आपके टीम आप जानते हो हाउ टू वर्क राइट द कोड जेस नॉट कैसे लिखते हैं आप में से कंसल्ट करो हमारी टीम से कंसल्ट करो वी आर गोइंग टू पे हम पे भी करेंगे अगर आप मेरे एक्सेल सीट को वेबसाइट में इंबेट करोगे या फॉर्मुला एक्सेल डाउनलोड होगा आप को करना, board, आप जब को करोगे, तो सबसे पहले मैं आपको हूं, ये Excel, अगर आप मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हो तो आपके पास ऑफिस होना चाहिए या सिंपल सीट जैसे कैलकुलेटर होनी चाहिए ये एनेबल एडिटिंग मांगता है। ये है। आप कहीं पर भी क्लिक करो कुछ नहीं होगा यू नीड टू एडिटिंग

98 नंबर्स आ गया एंड द क्वांट क्वांट में आपका आ गया जस्ट फॉर अ से 49.89 नंबर 95.54 नंबर्स ओवरऑल आ रहा है आपको ये स्केल स्कोर है परसेंटाइल जो स्केल में आपका दिखाता है यहाँ पे डाल दो जस्ट से कि ये 98 परसेंटाइल है मैं जस्ट मान लो दिस इज 78 9 98 मेक इट 98 देन दिस से दिस वन इज अराउंड 97 एंड से दिस वन इज 99 पॉइंट 99.78 99 परसेंटाइल आपको नहीं दिख रहा होगा और 99 .99. आपको ये डाटा फिल करना है देन आप नीचे आओगे थिंग्स जो ऐड चढ़ रही है बट आप यहां से रेफरेंस ले सकते हो कि मुझे ज्वाइन कोर्स करना है या मुझे आगे जो भी जाना है आपको अपना टेंथ का स्कोर फिल करना होगा अगर आप सीबीएससी हो तो सीबीएसई का स्कोर फिल करोगे तो मान लेता हूँ सीबीएससी हूँ सीबीएससी है आप बोलोगे आई एम कैलकटा इतना तो मांगता नहीं कैट का स्कोर मांगता है बट ये डेटा ऑन आई एम कैलकटा के लिए नहीं बना है बहुत लोगों के लिए बना है बहुत सारे बी स्कूल के लिए बना है तो इसलिए आपको पूरा डेटा फिल करना होगा इंजीनियरिंग का मार्क्स डाल देते हैं इंजीनियरिंग में मुझे सेवेंटी एट मार्क लेते हैं आया है देन आप मेल हो तो आपको डालना होगा अगर ये सब नहीं डालोगे तो डेफिनेटली जिसे फिल करना है मेल हो तो वन लिखो अगर नहीं लिखोगे तो स्कोर नहीं करेगा कैटेगरी आपकी जनरल है तो आप वन कर दो एंड आप इंस्टा में हमें फॉलो कर सकते हो या एजुकेशन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना मैं आपसे बोलता हूँ हमें वाई पे सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम अगर आप यूज करते हो तो टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लो यहाँ पे

पास हो जो डेटा आपने फीड किया है क्वांट में आप पास हो ओवरऑल भी आप पास हो जो डेटा फिल किया है अगर इसमें से किसी एक में आप फेल हो और यहां पे आप सेफ हो तो भी आपको कॉल नहीं आएगी मतलब आपको यहां फेल नहीं होना है देन यहां पे आपका कंपोजिट स्कोर दिखेगा और बेस्ड ऑन द आरटीए जो मैं इस ईयर का कंपोजिट स्कोर गेस कर रहा हूं आई एम कलकत्ता के वेट पीआई के लिए उसको बेसिस मान के आप सेफ हो एंड अगर आप सेफ हो तो आपको वेट पीआई के तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए मैं 98 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ बोल रहा हूँ कि आपको वैट पीआई की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप कलकत्ता के लिए सेफ हो रहे हो तो अगर आपको इसको मोर डिटेल में देखना है तो आप आईएम कलकत्ता का सीएस सीट कंपोजिश को सीट को ओपन करके देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मच मार्क्स टेन वेटेज है तो आपको टेन पॉइंट मिला है ट्वेल्थ में ट्वेल्थ पॉइंट मिला है सिंस आप मेल हो तो आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिला है कैट स्केल्ड स्कोर फिफ्टी को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ

बिकॉज़ अगर ये क्लोज डेटा होगी आपके आपके कैटेगरी में तो बता देना तो आप जब भी बॉर्डर तो अपनी कैटेगरी को बताओगे आपको भेजना क्या है इस सीट का स्क्रीन हर एक स्कूल का अपना स्क्रीन होता है आप इसका स्क्रीन ले लेना और अपनी कैटेगरी भी लिखना कि आपकी कैटेगरी क्या है कम्पोजिटर

अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना टीम देखते रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहती है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझको भी बता देती है, है या व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर आया है, पे, ये आया है पे आया है वो आपको हेल्प करती अबाउट आई एम कैलकट एक्सपेक्टेड स्कोर आप डाउनलोड कर लेना मैंने हमेशा बोला है कि मुझे अपना बेस्ट देना है अगर आप अपना बेस्ट दोगे और मैं बेस्ट दूंगा तभी हम बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एम क्रैक करते हैं नॉट कैट, आम्स और टॉप बिस्कुट और आपके ड्रीम बिस्कुट को और वहां अगली बार दिवाली मनाते हैं बाय बाय